हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरे बर्थडे का ब्लॉग। एंड सी, ये मम्मी पापा ने भिजवाया है। एंड इट्स नॉट इवन माय बर्थडे अभी तक। अभी आज है 12th अप्रैल और मेरा बर्थडे है 13th अप्रैल को। अभी बज रहे हैं 8:13 और ये पहले से आ चुका है। अभी तक मैंने कॉल नहीं किया, ये जस्ट आया और मैं जस्ट बनाना वीडियो और मैंने अभी अभी बस वीडियो बनाना शुरू किया। यार देखो, इतनी एक्साइटमेंट में फंबल कर रही हूँ। मेरा सारा एक्साइटमेंट मर चुका था, पर अभी इसको देख के ये वापस आया है। तो केक देखते हैं कैसा है, फिर उसके बाद इसको फ्रिज में रख देते हैं, फिर 12 बजे काटेंगे। तो देखो, पता तो मुझे था कि कुछ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा अपने स्विगी, मतलब अपना स्विगी में नोटिफिकेशन आता है, राइट, अगर कोई और भी भिजवाए तो। चलो मम्मी को कॉल करते हैं, लैपटॉप से कॉल करते हैं ताकि मैं दिखा हो तुम लोगों को। Here's my son. ये बैठा कहाँ है? ये घर के पीछे। Oh, baby. Okay, तो इन लोगों ने केक भिजवाया है और they're saying कि अभी भी एक और ऑर्डर आना बाकी है। और मैं तो देख चुका हूँ क्या है, लेकिन ये उनको ये वीडियो देख के बदल गया। मैं बहुत प्रिटेंड कर रही हूँ उनके सामने कि ओ क्या, मैं देखने आई हूँ फ्रिज में जगह है या नहीं। तो है फ्रिज में जगह। तो ये भिजवाया है इतना सारा पिज्ज़ा। ये मम्मी ने बोला था कि कल के लिए था, फॉर माई फ्रेंड, मतलब रूममेट्स और मेरे लिए, पर ये लोगों ने गलती से आज ही ऑर्डर कर दिया। तो अभी मैं इनसे पूछती हूँ कि कब खाएंगे। तीर्था, माई मॉम हैव सेंट पिज्ज़ा मेरे बर्थडे के लिए, तो तुम लोग कब खाओगे बता दो। हाँ हाँ, ज़रूर। ओके, तो मम्मी ने पिज़्ज़ा भेजा था और हाँ, और मैंने कुछ एक ऐसे ऑर्डर किया है कि 4 पिज़्ज़ा है। और ये एक्चुअली ये लोग कल भेजने वाले थे मेरे बर्थडे पार्टी के रूममेट्स के लिए, पर गलती से आज ही ऑर्डर कर दिया। तो बर्थडे ट्रीट फॉर माय रूममेट्स आज ही हो जाएगा। और या देखो क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, पता नहीं क्या होगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। पता है, जब मेरी बहन ने मुझसे पूछा एड्रेस देने के लिए, मैं डिल्यूजनल इतनी ज़्यादा हूँ ना, मैं कुछ भी सोच लेती हूँ। रूम का हालत इग्नोर करना प्लीज। इट फील्स लाइक मेरा बर्थडे आज ही शुरू हो गया है, यू नो, मतलब ओके। मैं केक को फ्रिज में रखने आई थी, इसको रख देती हूँ पहले। सीजर अपने साथ, मतलब सीजर नहीं, नाइफ अपने साथ ले जाती हूँ। तो गाइस, सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी लड़के पर भरोसा मत करो, तुम्हारे माँ बाप तुमको स्पेशल फील कराएंगे। ये मैं रो रो के ये मैंने उनको सिखाया है, लाइक फॉर रियल। ओके, तो अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ। और यू गाइस नो व्हाट, कि अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ प्रिपेयरिंग माई स्किन फॉर माई बर्थडे। तो उसके लिए लिटरली मैं वॉशरूम में शूट करने वाली हूँ। आई विल शो यू बाथरूम के अंदर रिंग लाइट, कैन यू सी इट। और सारा प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखा हुआ है, सारा प्रोडक्ट्स। देखते हैं अंदर कैसे मैं सब सेट कर पाती। चलो, तो 12:10:15 हो गए होंगे और आई गॉट माई रूम का सरप्राइज। और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को सबसे पहले विश किया द न्यू। और मेरी मम्मी का केक अभी तक मैंने कट नहीं किया है, और जो केक कटिंग का था वो मैं डाल दूँगी उसकी क्लिप्स अंदर। और मम्मी का केक अभी काटे या कब, अभी काटते हैं गैस। फिर अकेले अकेले अच्छा नहीं लगे। मम्मी को मैं सुबह वीडियो कॉल करूँगी, उसके बाद मम्मी के साथ काटूँगी। साउंड गुड, परफेक्ट। अब थोड़ी देर रोऊंगी मैं,
की बर्थडे में रोना इज अ रिचुअल. गुड मॉर्निंग गाइस, उठ चुकी हूँ मैं और मैंने सोचा था मैं सुबह सुबह उठ के मंदिर जाऊँगी, पर मैं उठी ही 10:30 बजे और यहाँ जो मंदिर है वो 11 बजे बंद हो जाता है और मंदिर जाओ तो नहा के ही जाना पड़ता है, तो नहीं हो पाया मंदिर जाना. तो मैंने सोचा अब शाम को चली जाऊँगी क्योंकि अभी इस वक्त 11:05 तो हो ही गए होंगे और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी नींद ही पूरी कर लूँ एटलीस्ट. हमें पेट ख़राब हो गया यार, कल मैंने कैफे से कुछ खाया था बाहर से, काम कर दिया उसने अपना. चलो फिर अब देखते हैं क्या क्या होता है दिन भर. और मैं स्किन एक्चुअली फील सो गुड टुडे कर स्किन केयर करने के बाद सी शाइन्स. थोड़ा अंधेरा है इसलिए अजीब डार्क लग रहा होगा, बट इट लुक्स नाइस राइट. थैंक यू. ओके गाइस, तो अभी हो रहा है 1:52 और मैंने बिरयानी ऑर्डर करी थी, बिरयानी आ चुकी है. और डिनर के लिए एक्चुअली हमने सोचा था हम जाएंगे बारबेक्यू नेशन, वहाँ पे ना अनलिमिटेड बुफे है, लाइक बहुत मस्त. थोड़ा एक्सपेंसिव है लाइक ओके है क्योंकि खाना काफ़ी मतलब बहुत कुछ मिलता है, तो हम सोचा था कि वहाँ जाएंगे. पर क्योंकि एज ए सेट कि मेरा पेट ख़राब हो रखा है तो खाना मैं वहाँ खा नहीं पाऊँगी ज़्यादा, तो वो प्लान कैंसिल हो गया. तो देखते हैं क्या प्लान बनता है, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं मंदिर जाऊँ शाम को, उसके बाद देखते हैं क्या आता है. अभी बज रहे हैं 5:30 और मैंने सूट वूट पहन लिया है और मैं अभी स्किन केयर कर रही थी, तो अभी जल्दी जल्दी से हम हल्का फुल्का सा मेकअप करके रेडी होकर मंदिर चलेंगे. चलो ओके गाइस, मैं हो चुकी हूँ तैयार और अभी हम जाएंगे मंदिर. तो मंदिर जाने से पहले यहाँ एक पास में एक स्टोर है, तो क्योंकि मंदिर भी काफ़ी पास ही है तो हेलो गाइस, और फिर चेक करो सूट. अब हम जाएंगे मंदिर और ठीक. और हाँ प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि मैं कैसी लग रही हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट लुक बाय द वे. और हम शाम मतलब इसके बाद हम डिनर करने जाएंगे एक जगह, इग्नोर माय नेल्स, डिनर करने जाएंगे एक जगह. तो अभी मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए कुछ भेजा है, लेट्स रिसीव दैट. मुझे बस अभी कॉल आया तो आई थॉट मैं उसको कॉल करूँगी, बट वो वॉच पे है तो इसलिए. इवन दो आई नो उसकी क्या है पर फिर भी थैंक यू. चॉकलेट भी है साथ में और नोट भी, आई रीड इट. ओके गाइस, तो अभी 9 बजने वाले हैं और मैं मंदिर से आई वापस और आई रियली डोंट नो कि मतलब मुझे जाना है कहीं बाहर डिनर के लिए, बट इट्स ऑलरेडी 9:00 और 10 बजे मेरा पीजी बंद हो जाता है. और एक्चुअली मैटर ये भी नहीं है क्योंकि मैं पीजी मैं बता सकती हूँ मैं मैम को कि आई विल बी लेट और मैं आ सकती हूँ बाद में भी, बट देन इट विल बी सो लेट देन, लाइक काफ़ी रात हो जाएगी. पर I don't know what to do. I want to go out, but कैसे? See, this is the best thing happened today. And also, mummy ka cake. Oh, mummy ka cake मैंने अभी तक नहीं काटा. Let's call her. अभी करे या रात को करे? This is it for the day, guys. अभी अगर आगे कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर. और यार मेरा तो बर्थडे बेकार चला गया, मतलब इस ये अच्छा है ऑफ कोर्स, मम्मी का अच्छा था सरप्राइज, रूममेट्स का अच्छा था, पर यार मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं. वही बैड श्रुति, वही बैड.
मैं सोच रही थी, और पता है मैंने बर्थडे के लिए दो दो ड्रेसेस भी लिए थे, और वो दोनों ड्रेस मैंने अभी तक कहीं नहीं पहने। मतलब बर्थडे के लिए ही लिया था ऑफ कोर्स, पर वो ड्रेस अभी तक मैंने आज के दिन में पहना ही नहीं है। तो मैंने सोचा था वो ब्लैक ड्रेस पहन के मैं डिनर करने जाऊंगी, मैं इसके साथ फोटो लूंगी, बट नहीं हो रहा है ऐसा कुछ गाइस, अब तक तो नहीं हो रहा। चलो देखते हैं क्या होता है, फोटोज तो मैं पर लूंगी। ओके गाइस, तो मैं आई हूँ यहाँ कुछ फोटोज़ लेने। मोस्ट प्रोबेबली आई विल हैव डिनर, लेकिन वो डिपेंड करता है मेरे पेट के ऊपर कि मुझे भूख लगी है या नहीं लगी है। मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है हाथ में रोज़ लेके, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तभी देखते हैं, कुछ दो चार पिक्चर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपन वापस चले जाएंगे। चलो हैप्पी बर्थडे टू मी। Everyone here is goring me. I don't know, like, okay, whatever. I look pretty. I'll show you my whole outfit just in a while. Wait, somewhere I'll keep you guys and I'll show you. Or else I also have to take some pictures. Wo bhi I'll have to keep somewhere and then photos lungi. Let's see what happens though. तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स ले लिए हैं, लाइक वीडियोस लिए हैं मैंने, उस पर से पिक्चर निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं पिक्चर अच्छा आता है या नहीं। बाकी वेरी लोनली बर्थडे। तो अभी और पापा की संतुष्टि के लिए आसपास कोई नहीं, अकेली आई हूँ मैं, क्योंकि पापा ने मुझसे पूछा तो अकेली तो जा रही है ऐसे, पर अकेली ही हूँ मैं, नथिंग टू वरी। तो अभी आई गेस मैं आई हूँ, थोड़ा मैंने फ़ोटो वोटो लिया, अब देखते हैं दो चार फोटो का और जुगाड़ हो सकता है या नहीं, क्योंकि यार वीडियोस में से कितना भी ले लो उतना परफेक्ट तो नहीं लगता है। तो चलो देखते हैं किसी से अगर हम पूछ पाए कि हमारी एक फोटो या वीडियो ले लो। ओके, तो यहाँ एक भैया से फोटो तो खिंचवाया है हमने, पर फोटोज उतने अच्छे नहीं आए हैं। तो हम दो चार और फोटो लेने की कोशिश करते हैं, पर देखते हैं। ओके, सो दिस क्यूट गर्ल ये आई मेरे पास, और मैंने इसको पूछा, अप्रोच तो मैंने किया था कि मेरी कुछ पिक्चर्स ले दो, एंड क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था तो उसने अपने फ़ोन से लिया। यार हाउ क्यूट, और मैं उसकी क्लिप्स डाल दूँगी नेक्स्ट। और उसने मेरी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींची, माय गॉड, और वो मेरे को शेयर कर देगी व्हाट्सएप पे। तो बर्थडे तो अच्छा हो गया यार यहाँ आके। तो चलो अब जल्दी जल्दी कैब बुक करते हैं और घर जाते हैं, नहीं तो बहुत पापा से पिट जाऊँगी यार। चलो ओके, तो फिलहाल मैं कैब में हूँ और अभी हम लोग पीजी जा रहे हैं वापस, क्योंकि वहाँ फ़ोटो खिंचवाने गई थी मैं, और फ़ोटो खिंचवाने का काम हो गया है क्योंकि खाने का वहाँ पर मन नहीं था। मैंने एक्चुअली मैम को बोला था मैं 11 बजे तक आ जाऊँगी, लेकिन अभी तक 10:30 भी नहीं बजे। आई नो मैं नहीं दिख रही हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ जस्ट फॉर द सेक कि तुम लोग सुन लो। और मैं अपना फ्लैश ऑन इसीलिए नहीं कर पा रही क्योंकि एक्चुअली ऐसे होता है कि अगर बैटरी लो हो तो हम फ्लैश यूज़ नहीं कर सकते हैं फ़ोन का, इसलिए। ओके, और यहाँ से मैंने सीढ़ी चढ़ रही थी अंदर जाते टाइम, और मैं पता है अपने ड्रेस में फंस के गिरने वाली थी, हाउ एम्बैरेसिंग। और मैं ऑलमोस्ट गिर भी गई थी लेकिन मैं पूरा नहीं गिर पाई। चलो अभी पीजी जाते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं और मम्मा का केक काटते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो आई वाज ऑन अ कॉल विद माय सिस्टर, और मैंने पूरा केक काट के वीडियो कॉल लैपटॉप पे वीडियो कॉल करके सब किया, और बाद में मेरा कैमरा ही बंद हो गया, लाइक